नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद आए तो एक नया विवाद खड़ा हो गया, और वो विवाद है फ्लाइंग किस विवाद, जिसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है, और इसी कड़ी में राहुल गांधी के बचाव में उतरी एक नेता ने तो कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब नया सियासी ड्रामा शुरू हो सकता है। क्या है वो बयान, देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। राहुल क्यों 50 साल की बूढ़ी महिला को देंगे फ्लाइंग किस? राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है, ये सब हम नहीं कह रहे हैं। ये बयान है फ्लाइंग किस विवाद में राहुल गांधी के बचाव में उतरी कांग्रेस नेता नीतू सिंह का। संसद में राहुल गांधी का एक एक्शन इन दिनों खूब सुर्खियों में है, जिसे सत्ताधारी पार्टी ने फ्लाइंग किस का नाम दे दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आरोप है कि राहुल ने अपना भाषण देते वक्त उन्हें फ्लाइंग किस दिया, तो वहीं अब राहुल का बचाव करने के लिए न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल सामने आ गए हैं। बिहार के नवादा से कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए स्मृति ईरानी को ऐसा घेरा कि खुद मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को अगर फ्लाइंग किस देनी होगी तो किसी लड़की को देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है, वो क्यों एक 50 साल की बूढ़ी महिला को फ्लाइंग किस देंगे? इसलिए स्मृति ईरानी के लगाए सभी आरोप निराधार हैं। हमारे राहुल जी जो हैं, उनको लड़की का कमी नहीं है, अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे, ये सब आरोप निराधार है। कांग्रेस नेता इतने पर ही नहीं रुकी। नीतू सिंह ने इसके बाद स्मृति ईरानी पर कई निजी हमले किए और कहा कि ये कोई फ्लाइंग किस का मामला नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना देखें, जिस सहेली ने उनको संरक्षण दिया और मदद की, उसी के पति को भगाकर स्मृति ईरानी ने शादी कर ली। नीतू सिंह के अलावा और भी कई नेता हैं जो लगातार फ्लाइंग किस विवाद पर राहुल के बचाव और सरकार के घेराव की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि ये कोई मुद्दा है ही नहीं, सरकार जनता का ध्यान अहम मुद्दों से भटकाना चाहती है। कुछ शब्द ऐसे डिफाइन किए जा रहे हैं, अब हम भी सुन रहे हैं कि पहले शब्द हमने भी नहीं सुना था, बीजेपी की तरफ से कोई शब्द आया है, जब उसको पढ़ते हैं जानते हैं तो पता नहीं क्या क्या मालूम पड़ता है। इसे सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, बेरोजगारी पे सरकार क्या कर रही है, रोजगार देगी नौजवानों को नहीं देगी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और लगता तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार में कोई बहुत बड़ी डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी। नए नए तरीके इजाद कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बाढ़ है, सूखा है, बाढ़ में किसान की मदद नहीं की, सूखा में क्या किसान की मदद हो रही है, जो फसल पैदा की उसके लिए मंडी में क्या इंतजाम किया, हर चीज महंगी है, दवाइयां महंगी हैं, कीटनाशक दवाई महंगी है, और जो लोग कहते थे कि किसान की आय दोगुनी होगी, कम से कम दिल्ली और लखनऊ की सरकार दोनों मिलके बताएं कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये फैसले सरकार ने लिए हैं, क्या मक्के में किसान को आय दोगुनी हो गई? तो वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का कहना है कि बीजेपी राहुल की लोकप्रियता से डर गई है। उनकी माने तो राहुल हाथ भी हिला दें तो बीजेपी वालों को दिक्कत हो जाती है। राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं, अगर वो हाथ भी हिलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति होगी। नई नियमावली आ रही है सर, नई नियमावली भी आ रही है। अब नई नियमावली में हम लोग संशोधन दे रहे हैं, अब पूरी देखिए संशोधन होकर के लोकतांत्रिक तरीके से उसमें नियम में परिवर्तन हो तो अच्छा। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो ट्वीट करके साफ शब्दों में लिखा है कि अपनी नौटंकी बंद कर दो स्मृति ईरानी। खैर, हम भी समझ सकते हैं, अगले साल देश में चुनाव होने हैं और मिशन 2024 को देखते हुए अभी से तमाम सियासी दलों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, तो ऐसे में सबको अपनी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिल जाता है। जाहिर सी बात है, स्मृति ईरानी पर दिए गए नीतू सिंह के इन बयानों पर बीजेपी शांत तो नहीं रहने वाली, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कैसे इस अटपटे बयान का चटपटा जवाब देती है।
साथ ही देखना यह भी होगा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी खुद नीतू सिंह के वार पर कैसे पलटवार करती हैं। तो ऐसी ही राजनीति से जुड़ी दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।